अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज से पहले आपने ऐसी कई तिलावतें सुनी होंगी जिसे सुनने के बाद आप माशाल्लाह सुभान अल्लाह कह उठे होंगे। आलमे दीन के जरिए कुरान की तिलावत बेहद पसंद की जाती है, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम कुरान करीम की तिलावत करे तो हम मचल उठते हैं। हमें अपने दीन पर फख्र होने लगता है कि हमारा दीन एक ऐसा दीन है जिसे गैर मुस्लिम भी इतना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जब गैर कौम की रहनुमाई करने वाले साधु संत या फिर पंडित कुरान के किसी आयत का तर्जुमा करें या फिर कुरान की आयतों की तिलावत करें, तो यकीनन हमें यह तिलावत आलमे दीन की तिलावत से भी ज्यादा हसीन लगती है। इस तिलावत को सुनने के बाद यकीनन हमारा दिल मचल उठता है और हमारे दिल से यह सदा निकलती है कि सच में इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं। शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में दीन इस्लाम सबसे ज्यादा कबूल किए जाने वाला मजहब बन चुका है। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे तिलावती कुरान सुनाने वाले हैं जिसे सुनने के बाद यकीनन आप झूम उठेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुने। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वह लोग जो दीन इस्लाम को बदनाम करते हैं, कुरान के लिए गलत बयानबाजी करते हैं, कुरान में बदलाव करने की मांग करते हैं, उन लोगों के ख्याल को बदला जा सके। इसके अलावा नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर पास ही में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुन। بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد। नाजरीन, इस वीडियो को सुनने के बाद यकीनन आप माशाल्लाह ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ गैर मुस्लिम पंडित कुरान करीम की आयतों की तिलावत कर रहा है। वहीं हमारे मजहब में ही कुछ ऐसे दीन के गद्दार हैं जो खुदा के कलाम को बदलने पर आतुर है। ऐसे लोग भी हैं जो कुरान से बुग्ज़ रखते हैं और कुरान का खात्मा करना चाहते हैं। लेकिन नाजरीन, दुनिया में अभी भी ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके सीनों में कुरान करीम समाया हुआ है। ऐसे लोगों की फहरिस्त में अब वो लोग भी शामिल हो रहे हैं जो कभी दीन इस्लाम से नफरत करते थे। नफरत का पाठ पढ़ते पढ़ते उन्होंने दीन इस्लाम को समझा तो खुद को दीन इस्लाम कबूलने से रोक ना पाए, क्योंकि ये लोग समझ चुके हैं कि दीन इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं। पर ऐसे लोगों ने होशो हवास के साथ दीन इस्लाम को कबूल किया है। नाज़रीन, इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अल्लाह ताला हम सभी को कुरान करीम की तिलावत करने और कुरान पर ईमान रखने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।